हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। दो साल बाद खुल गया है इंडिया गेट, जो पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया है और काफ़ी लोग इसको देखने के लिए आ रहे हैं। साथ ही ओपन हुआ है चिल्ड्रन पार्क, तो हम आज आपको कराएंगे चिल्ड्रन पार्क की सैर और दिखाएंगे यहाँ कौन कौन सी राइड्स हैं, यहाँ टाइमिंग क्या है, कौन से डे ये क्लोज रहता है और यहाँ कैसे रूल्स रेगुलेशन हैं, सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। गाइस, अगर आप मेट्रो से आते हैं तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है, और अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो NDMC की पार्किंग आपको सामने ही मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल फ्री है। चाहे तो चिल्ड्रन पार्क आप रोड से सीधा भी जा सकते हैं, और अगर आपको इंडिया गेट घूमना है तो आप इंडिया गेट वाली साइड पे आके इस तरफ से भी चिल्ड्रन पार्क जा सकते हैं, यहाँ से भी चिल्ड्रन पार्क का रास्ता है। तो गाइस, सामने जो स्टैचू है सुभाष चंद्र बोस का, यहीं से आप बिल्कुल इस रोड पे आएंगे, शाहजहां रोड, और ये बिल्कुल रोड सीधी जा रही है चिल्ड्रन पार्क के लिए। तो यहीं से पैदल 100-200 मीटर आप पहुँचेंगे तो सामने चिल्ड्रन पार्क की एंट्री आपको मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं, एंटर करते हैं, दिखाते हैं आप। सो गाइस, ये है चिल्ड्रन पार्क का एंट्रेंस गेट, तो चलिए चलते हैं अंदर यहाँ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे झूले हैं, 1 से लेके 14 तक यहाँ पे अलग अलग तरीके के झूले हैं, और एज ग्रुप भी यहाँ डिफाइन कर रखी है। तो 12 साल से ऊपर का जो बच्चा होगा वो इन झूलों का, इन राइड्स का नहीं इस्तेमाल कर सकता है। तो आप ये देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे कैसे स्विंग कर रहे हैं, कितना इन्जॉय कर रहे हैं, ये देखिए। और काफ़ी सारे यहाँ पर झूले लगे हुए हैं, काफ़ी सारे स्विंग्स हैं, सभी जगह बच्चे इन्जॉय कर रहे हैं। ये वाला झूला आप देखिए, इस पे बच्चे जाके इस पाइप के थ्रू यहाँ से नीचे आएंगे, ये देखिए। 3 साल से 12 साल तक के बच्चे यहाँ पे इन राइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों के बिना आप एंट्री नहीं कर सकते। तो हमारे साथ डुगू आदि आ रखे हैं, और डुगू कर रहा है स्विंग पे मज़े। डुगू, मज़ा आ रहा है? हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है। और इस तरीके से टायर वाले झूले भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ भी आपको अलग अलग तरह के झूले, अलग अलग तरह की राइड बच्चों के लिए दिखेगी। बच्चे तो बहुत मज़े कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो ये पार्क बहुत ही बेस्ट है। एंट्री फीस बाकी कोई भी नहीं है, ये फ्री है बिल्कुल। ये देखिए, ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ है, तो ये बच्चा कर रहा है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं काफ़ी। तो कुल मिला के राइड्स की कमी नहीं है। हम यहाँ पे सैटरडे पहुँचे हैं, वीकेंड के बाद भी यहाँ भीड़ भी है, लेकिन फिर भी काफ़ी राइड्स हैं, तो काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। साथ में ग्रीनरी, अगर आप इस पार्क की देखें तो काफ़ी ग्रीनरी आपको नज़र आएगी चारों तरफ। सो गाइस, ये एरिया है म्यूज़िकल फाउंटेन का। तो यहाँ पे टाइमिंग के हिसाब से फाउंटेन चलता है, कि जैसा मैं आपको दिखाऊँ कि ये टाइमिंग आप देख सकते हैं 10 से 11, 1 से 2, और फिर 4 से 5 म्यूजिकल फाउंटेन चलेगा। बैठने के लिए बेंचेस भी लगी हुई हैं, अगर आप थक जाते हैं बच्चों के साथ तो यहाँ आराम से आप छाँव में बैठ भी सकते हैं। वॉक करने के लिए काफ़ी सुंदर ये आप देख सकते हैं बने हुए हैं। पार्क के अंदर आप कुछ खा पी नहीं सकते हैं बाहर से लाकर। तो गाइज़, ये एरिया है मोगली फाउंटेन, यहाँ पे भी फाउंटेन चलते हैं, और ये आप सामने देख सकते हैं इनकी भी टाइमिंग जो है सेम है, 10 से 11, 1 से 2 और 4 से 5। और यहाँ पे लिखा हुआ है रेलिंग को आप पार ना करें, थोड़ा आप ध्यान रखें किसी भी चीज़ को नुकसान ना पहुँचाएं, ये सब इंडिकेशन यहाँ दे रखी। बाकी आप देख सकते हैं ये है मोगली फाउंटेन, काफ़ी अच्छे यहाँ पे मोगली वाले जो कार्टून्स था उसी के करेक्टर यहाँ पर बने हुए हैं। सामने आप देख सकते हैं मोगली, और वहाँ पे बैठा हुआ है बघीरा, और ये दिख रहा है आपको नीचे से शेर खान। बहुत ही सुंदर लग रहा है यार, बड़ा शांत और बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छा, ग्रीनरी बहुत ही सुंदर है यहाँ पे। और ये देखिए लाइट्स लगी हैं जो शाम के टाइम जलेंगी। यहाँ से चलते हैं आगे। झूलों के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे ओपन जिम भी लगा रखा है, तो ओपन जिम के अंदर भी
आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बच्चे आके मतलब इसे यूज़ कर सकते हैं। इस साइड भी आप देखिए, यहाँ काफ़ी बड़ा एरिया है। इस साइड को आप देखेंगे तो ये पूरा ओपन जिम लगा हुआ है और उधर की साइड में ऊपर स्लाइड्स हैं। खैर ये जो ओपन जिम लगा रखा है बच्चों के लिए, तो ये भी झूले ही हैं, बच्चे वैसे ही नहीं यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सुंदर सा फ्लोर मैट लगा रखा है, आप देखिए ग्रीन कलर का, रेड और येलो कलर का उसके ऊपर स्माइली बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। चलो ये है NDMC की ठंडे पानी की मशीन, जहाँ पे आप ठंडा पानी भर सकते हैं बॉटल में अपनी, और ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे देखो भाई चेस भी बना हुआ है, लेकिन इसको खेलने का मुझे दिख नहीं रहा कोई तरीका है, बस बच्चे इस पे ऐसी जंपिंग करके खेल सकते हैं। एक चेस का डिज़ाइन दे रखा है इसे। तो यहाँ पे ये सांप सीढ़ी की गेम भी बनी हुई है, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग गेम होती है। सांप काटता है और बंदा नीचे चले जाता है। इसको प्ले करने के लिए यहाँ पे ये व्हील लगा हुआ है, इसको घुमाया जो भी नंबर आया उसी हिसाब से यहाँ पे आपको वो नंबर चलना होगा। तो ये बच्चे यहाँ प्ले कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे या थोड़े से जो बड़े हैं वो समझ पा रहे तो वो आगे कर रहे हैं इसको, बाकी तो जंप ही कर रहे हैं यहाँ पे आगे खाली। तो भाई यहाँ पे ये चिल्ड्रंस लाइब्रेरी भी है। फिलहाल अभी यहाँ पे अंदर रेनोवेशन का कुछ काम चल रहा है, तो अंदर एंट्री नहीं है। बुक्स वगैरह हैं अंदर, 6 से 14 साल के बच्चों तक के लिए पढ़ने के लिए बुक्स हैं। पार्क की साफ़ सफाई के लिए जगह जगह आपको डस्टबिन देखने को मिल जाएंगे, ड्राई और वेट वेस्ट के अलग अलग। यहाँ से एंट्री हम करते हैं, ये एक जगह बनी हुई है, पता नहीं क्या है इसके अंदर, हम चल के देखते हैं। यहाँ से हम अंदर आए, यहाँ पे एक्वेरियम दिख रहा है। अच्छा, एक फिश एक्वेरियम है यहाँ पे, ये देखिए आप। और ये दो फिशेस इस एक्वेरियम के अंदर हैं। तो भाई एक अकेला एक्वेरियम है ये यहाँ पे। एक यहाँ पे यार ये बिना पानी का स्विमिंग पूल देखने मिल जाएगा आपको, पता नहीं क्या है ये, स्विमिंग पूल जैसा कुछ बना हुआ है। सामने ब्लैक ब्लैक सा ये कुछ है स्टैचू सा, और यहीं से बिल्कुल सामने ये आपको दिख जाएगा मोगली फाउंटेन। ये देखो बच्चों की लाइन लगी हुई है इस वाले झूले पे जाने के लिए, एक ब्रिज बना हुआ है, इस ब्रिज से निकल रहे हैं। और ये यहाँ से नीचे स्लाइड करते हुए, छोटे बड़े सब बच्चे कर सकते हैं इसे। सो गाइस, काफ़ी सारी राइड्स यहाँ पे अपडेट हुई हैं बच्चों के लिए, जो बच्चों को करके बहुत ही मज़ा आएगा। पार्क भी बहुत ही नीट एंड क्लीन है, बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार पार्क है। आप अगर बच्चों के साथ आते हैं तो आप भी इंडिया गेट घूम सकते हैं, जो पहले से काफ़ी सुंदर हो गया है। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है अपने चैनल पर, जो आप जाके ज़रूर देखिएगा। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। हम करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। दिस इज़ प्रशांत साइनिंग ऑफ, मिलते हैं फिर आपसे किसी दूसरी वीडियो में। टिल दैट यू टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड गुड बाय।